गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे। चलिए तो जैसा कि आपको पता ही है, कल के लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में जाना था, है ना, कि आहार नाल की औतकी क्या होती है। तो औतकी में हमने क्या जाना भाई, आहार नाल की औतकी में क्या जाना कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें चार स्तर होती हैं या चार परत होती हैं, है ना। सबसे बाहर की परत कौन सी थी भाई? सिरोसा। उसके बाद कौन सी होती है? मस्कुलेरिस। उसके बाद सब म्यूकोसा और सबसे लास्ट में म्यूकोसा। तो ये चार परत हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का क्या करती हैं भाई? निर्माण करती हैं, ठीक है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा और अपनी छोटी यांत्रिकी जो नोट्स थे वो हमने बनाए थे। तो आज हम केवल ये समझेंगे कि अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या और कैसे होती है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो छोटी आंत्र रहेगा भाई, छोटी आंत्र। तो जरा इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि आखिर क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मोस्ट पॉइंट मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। सुनिए भाई, जो छोटी आंत्र होती है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6.25 मीटर होती है, 6.25 मीटर होती है, लगभग 20-21 फीट के करीब होती है। यदि ये फीट में भी आ जाए तो आपको कहना है 20-21 फीट के करीब हमारी कौन होती है भाई? छोटी आंत्र होती है, ठीक है। इसके कितने भाग हैं? छोटी आंत्र के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। सबसे पहला जो भाग है वो होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजुनम जिसे हम अग्रछुद्रांत्र भी कह सकते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है छुद्रांत्र जिसको आप इलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इलियम। तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये शायद कल हमने पूरे लिख लिए थे भाई। अब मैं आपको बता दूं, देखिए जो ग्रहणी होती है वो फर्स्ट पार्ट होता है, या तो आप उसे यूं बोल दीजिए कि यू शेप, या आप उसे बोल दीजिए सी शेप, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है वो मात्र 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भाई? 25 सेंटीमीटर होती है। अब मैं इसका डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ, ठीक है। नाम यहाँ इतना ज़रूरी नहीं है, डायग्राम। सुनिए भाई, ध्यान से सुनना, ये आपकी ग्रास नली थी, ठीक है। ये जो ग्रास नली है वो अटैच होती है किससे? आमाशय से। तो ये आमाशय था भाई, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर? पाइलोरिक। फिर ये पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है इस प्रकार की आकृति की संरचना में ओपन होता है। आप ये पार्ट देख पा रहे हैं जो आपको यू शेप दिखाई दे रहा है, या आप इसको सी शेप भी कह सकते हैं। तो यही आपका वो पार्ट है जिसे आप ड्यूडेनम या ग्रहणी कहते हैं भाई। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है वो थोड़ा कुंडलित होता है इस प्रकार का ना, और कुंडलित होकर वो ऐसे फिर बड़ी आंत्र में जाके खुलता है। तो यहीं तक हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है भाई? वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र है। इसके मैं पार्ट की बात करूँ तो देखिए, ये सबसे पहला पार्ट होता है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। मैं ड्यूडेनम की बात करूं तो आपको दिख रहा है या तो ये यू शेप कह सकते हैं आप, या आप इसको सी शेप कह सकते हैं। और इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भाई? 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्यूडेनम की लंबाई कितनी होती है, तो आपका आंसर है 25 सेंटीमीटर। या आपसे यूं पूछ ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो भी आपका आंसर ड्यूडेनम रहेगा, क्योंकि इसकी सबसे कम लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट की बात करें तो ये रहा सेकंड पार्ट, यहाँ से यहाँ तक।
इसको हम बोलते हैं भाई जैजूनम। क्या बोलते हैं इसको? जैजूनम बोलते हैं, अग्र छुद्रांत्र बोलते हैं। इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो ये 2.5 मीटर लंबा होता है। कितना होता है भाई? 2.5 मीटर लंबा होता है। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, जो सबसे लंबा भाग होता है, वो 3.5 मीटर होता है। इसको आप इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इलियम बोलते हैं। तो ये थी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की संरचना, ठीक है। और यहाँ पर रसांकुर वगैरह भी पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की संरचना के बारे में तो आप आराम से लिख ही देंगे, है ना, कि भाई ये सबसे लंबा भाग है जिसकी लंबाई 6.25 मीटर होती है। इसके तीन भाग होते हैं। पहले तो भागों के नाम याद रखना और उनकी फिर लंबाई वगैरह याद रखना, इतना पढ़ना है आपको केवल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, औतकी के बारे में। हिस्टोलॉजी के नोट्स हमने कल कर ही लिए थे, अब केवल इसका डायग्राम देखना है और डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझते चलना है भाई। तो डायग्राम देखो, सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं। तो भाई फर्स्ट वन, इसकी एक लेयर होती है, ये प्रथम लेयर, और ये प्रथम लेयर आपकी सिरोसा, और यहां पर मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूडनल, मतलब सिरोसा तो बाहर वाली हो गई, और ये आपकी हो गई कौन सी? पूरी मस्कुलेरिस। चलो मैं इसको डिफरेंट कर दूं भाई, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये रेड कलर से बना दी मैंने, है ना। तो ये आपकी पहली लेयर हुई सिरोसा, औतकी चल रही है ना, और औतकी में तो वही चार परत होती हैं। एक एक चीज को हम क्लियर करके समझ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पहली परत है वो सिरोसा परत होती है। अब ये वाली है आपकी सिरोसा, सबसे जो बाहर है आपको दिख रही है, ये है सिरोसा लेयर, ठीक है। फिर ये वाली और ये वाली मिलके क्या बनाती हैं? दोनों मस्कुलेरिस बनाती हैं। क्या बनाती हैं भाई? मस्कुलेरिस लेयर बनाती हैं। दिख रहा है आपको क्लियर? कौन सी लेयर बनाती हैं बोलो? मस्कुलेरिस। तो दो लेयर आगे आपको समझ, ठीक है। मस्कुलेरिस लेयर थोड़ा छोटा सा मुझे लग रहा है, मैं बड़ा बना दूं इसको, मुझे जैसा डायग्राम देखने पर लग रहा है थोड़ा सा छोटा लग रहा है ना। चलिए और क्लियर इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली ये सारी बातें समझ में आ जाएं। देखिए भाई, ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये आपकी पहली परत हुई जिसको आप बोलेंगे सिरोसा लेयर। क्या बोलेंगे? सिरोसा। उसके बाद ये आपकी मस्कुलेरिस स्टार्ट हो जाती है, ये पीले कलर में मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बना के बता रहा हूं। कौन सी मसल्स? लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य प्रकार की, है ना भाई। और यहां पर फिर ये सर्कलाकार बर्तुल, तो ये पूरी ऐसे घूमी हुई होंगी, तो देखिए ये आपकी पहली लेयर हुई जो व्हाइट कलर से है, इसे तो हम बोल देंगे सिरोसा, और पीले कलर की है ये अनुदैर्ध्य पेशी है, और रेड कलर में ये बर्तुल पेशी है। तो ये हमारी लेयर हो गई मस्कुलेरिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सब म्यूकोसा लेयर की। कौन सी लेयर की? सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा लेयर में, सब म्यूकोसा लेयर में जैसा कि आपको पता है, देखो ये सब म्यूकोसा लेयर रहेगी, सब म्यूकोसा, और इस लेयर में क्या रहेगा भाई? अब जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके नोट्स में लिखाया है कि सब म्यूकोसा लेयर में, सब म्यूकोसा लेयर में आपकी जैसे ब्लड वेसल्स, अब ये नीले कलर से यूं मान लीजिए मैंने ब्लड वेसल्स बनाई हैं, है ना, ये सिरा हुई, रेड कलर से आपकी ये धमनी हुई, ये आगे की तरफ ऐसे चलती हैं, ब्लू कलर से जैसे आपकी सिरा वगैरह, ठीक है, लसिका वाहिनी वगैरह, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पाई जाती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स। क्या पाई जाती हैं?
ब्रूनर ग्रंथियां, ये सारे पॉइंट मैंने आपको लिखाए हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये तीसरी लेयर है, देखो इसका तो नाम होता है सिरोसा, ये सबसे पहली लेयर है, और ये जो लेयर है इसको आप बोलेंगे मस्कुलेरिस। कौन सी परत बोलेंगे? मस्कुलेरिस। और जो तीसरी परत है वो होती है सब म्यूकोसा। क्या होती है भाई? सब म्यूकोसा। और इस सब म्यूकोसा में जो पीले कलर की मैंने बनाई हैं वो होती हैं ब्रूनर ग्रंथि, जो श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। तो तीन लेयर आपको स्पष्ट दिखाई दे गई आपके इस डायग्राम में। अब बात आती है चौथी लेयर की, इंपॉर्टेंट जो लेयर है जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। मैंने औतकी में लिखाया हुआ है कि सब म्यूकोसा और म्यूकोसा आपस में मिलकर वलन बनाती हैं। वलन का मतलब होता है मुड़ी हुई संरचना। देखो इस प्रकार, देखिए भाई आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देखिए, आपको ये कुछ इस प्रकार के वलन दिखाई दिए, ये वलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वलन है भाई ये। अब इस वलनों में मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, फिलहाल समझिए। मैंने क्या कहा कि सब म्यूकोसा लेयर तो ये है, और इसके अंदर होती है कौन सी परत? बोलो म्यूकोसा। तो वो ये कहता है कि जो छोटी आंत्र होती है उसमें सब म्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों आपस में मुड़कर वलन बनाकर वलन बनाती हैं, और इन वलनों को मैं टोटल कह सकता हूं कीर्क रिंग के वलन। क्या बोल सकते हैं हम इनको? कीर्क रिंग के वलन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कीर्क रिंग के वलन। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कीर्क रिंग के वलन क्या हैं, तो आप बोलेंगे सर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा आपस में वलित होकर, आपस में मुड़कर जो वलन बनाती हैं, हम उन वलनों को टोटल रूप से कीर्क रिंग के वलन कहते हैं। वलन का मतलब होता है मुड़ी हुई संरचना। तो जो भी आपको ये मुड़ी हुई संरचना दिखाई दे रही है हम उसे कीर्क रिंग के वलन कहते हैं भाई, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए, अब कीर्क रिंग के वलनों पर जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है उंगली नुमा, देखो टोटल को मैं कीर्क रिंग वलन कह सकता हूं, लेकिन ये स्पेशली संरचना दिखाई दे रही है ना आपको, जो उंगली नुमा संरचना है, इन उंगली नुमा संरचनाओं का नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है, और इन्हीं को आप बोलते हैं क्या? रसांकुर। क्या बोलते हैं आप इनको? रसांकुर बोलते हैं भाई, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई, रसांकुर। तो ये टोटल जो आपको दिख रहे हैं, जैसे तीन संरचना दिख रही है ना आपको उंगली नुमा, यही रसांकुर होते हैं, है ना। इन रसांकुरों के ऊपर, इन रसांकुरों के ऊपर लगभग एक हजार सूक्ष्म संरचनाएं और पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या बोलते हैं भाई? सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। ये दिख रहे हैं आपको पीले पीले कलर में जो चल रहे हैं भाई, ये सभी रसांकुरों के ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। लगभग एक रसांकुर पर 1000 के करीब संरचनाएं होती हैं। आप इन छोटी छोटी संरचनाओं को कहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या बोलते हैं भाई? सूक्ष्मांकुर बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। अब ये जो माइक्रोविलाई होते हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है क्या? देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जब हमारा भोजन पच जाता है छोटी आंत्र में, पच जाता है, तो पचने के बाद उसका होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। अब अवशोषण का मतलब समझो, जब आपका भोजन कंप्लीट रूप से पच जाता है तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन अपने सरल पदार्थों में बदल जाते हैं ना। तो सरल पदार्थ जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में, एक एग्जांपल ले लिया, तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो इस संरचना के माध्यम से, एक मिनट ये कौन आ गया,
इस संरचना के माध्यम से अवशोषित होते हैं। क्या होते हैं? अवशोषित। अब ये अवशोषित कैसे होते हैं मैं आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, अभी मतलब जब पाचन हम देखेंगे तब हम इस पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि ये उंगली नुमा जो संरचना है उन्हें तो हम बोलते हैं विलाई रसांकुर, और रसांकुरों के ऊपर और छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या बोलते हैं भाई? सूक्ष्मांकुर, यानी कि माइक्रो विलाई बोलते हैं। और इस माइक्रो विलाई की वजह से जो छोटी यंत्र के अवशोषण करने का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार क्वेश्चन आता है कि भोजन का अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है, तो आपका आंसर है छोटी यंत्र। क्यों होता है भाई भोजन का अवशोषण छोटी यंत्र में? क्योंकि छोटी यंत्र में क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर। तो रसांकुर ऐसी संरचना है जो भोजन का क्या करती है? अवशोषण करती है। और ये रसांकुर कौन सी परत पर स्थित होते हैं बोलो? म्यूकोसा परत पर। कौन सी परत पर? म्यूकोसा परत पर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए है ना कि भाई सब म्यूकोसा और म्यूकोसा आपस में मुड़कर क्या बनाती हैं? केरकेरिंग के बलन बनाती हैं। इन बलनों में उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रसांकुर कहते हैं, 8 mm लंबे। और इन रसांकुरों पर 1000 क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर या माइक्रो विलाई पाए जाते हैं। और इन सूक्ष्मांकुरों की वजह से अवशोषण का क्या बढ़ जाता है? सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि जो छोटी यंत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण कर पाती है। किसकी वजह से? सूक्ष्मांकुर की वजह से, क्योंकि ये ब्रश बॉर्डर बनाते हैं, मतलब ब्रश जैसी संरचना बनाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो वलन होते हैं, वलन या जो रसांकुर होते हैं, इनकी आधार सतह पर, ये आपको आधार सतह दिख रही है यहाँ पर, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं आधार सतह पर, इनको हम गर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आधार सतह दिख रही है ना आपको, अरे देखो भाई ये तो रसांकुर है, इन रसांकुरों के बीच में ये आधार सतह नहीं है क्या? ये वाली गड्ढा नहीं है क्या? तो इन आधार सतह को हम बोलते हैं लेवरकुन की गर्तिका। क्या बोल रहा जाता है इनको? लेवरकुन की गर्तिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आंत्र होती है वो कुछ नलिकाकार या कुछ गर्तनुमा संरचना बनाती है जिन्हें हम बोलते हैं लेवरकुन की गर्तिका। तो जो ये गड्ढे आपको दिख रहे हैं इन्हें हम लेवरकुन की गर्तिका बोलते हैं। और इन लेवरकुन की गर्तिका में, इन लेवरकुन की गर्तिका में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब वो कोशिकाएं कौन कौन सी मैं यहाँ आपको डिफरेंट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पर जो कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं कलश कोशिका। क्या बोलते हैं भाई? कलश कोशिका, यानी कि गॉबलेट सेल। क्या बोला जाता है इसको? गॉबलेट सेल बोला जाता है। ऐसे ही यहाँ लगभग बीच में है ना, ऐसे तो बहुत जगह होती है ना बीच में, यहाँ पर क्या होते हैं भाई? आंतरीय कोशिका। कौन सी कोशिका? आंतरीय कोशिका। और जो ये गड्ढा आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ सेंटर में, देखो इस स्थान पर जो नीले कलर से मैंने बनाई है, यहाँ पर होती है पैनेथ कोशिका। कौन सी कोशिका? पैनेथ कोशिका। तो लेवरकुन की गर्तिका में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कलश कोशिका, आंतरीय कोशिका और पैनेथ कोशिका। ये गर्तिका है, पूरी गर्त है ये। क्या है ये? गर्त है। जो गड्ढा सा आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये गर्त है। ये नलकाकार संरचना बन रही है ना, इन्हीं नलकाकार संरचना को हम क्या बोलते हैं? लेवरकुन की गर्तिका। और इस गर्तिका में कितने प्रकार की कोशिकाएं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? कलश कोशिका, आंतरीय कोशिका और पैनेथ कोशिका। अब आपको इनके काम याद करने, तो देखिए जो कलश कोशिका होती है वो तो श्लेष्मा का श्रावण करती है जो कि एक चिकना पदार्थ होता है। आंतरीय कोशिका आंत्र रस का निर्माण करती है, पाचक रस बनाती है जो भोजन का पाचन करने में सहायता करती हैं। और जो पैनेथ कोशिका होती है ना, पैनेथ कोशिका, ये पैनेथ कोशिका बनाती है क्या? किसका श्रावण करती है? लाइसोजाइम एंजाइम का। किसका?
लाइसोजाइम एंजाइम का। और ये लाइसोजाइम एंजाइम, मैं आपको बता दूं, मेरी बात को सुन लेना, लाइसोजाइम एक खतरनाक एंजाइम होता है। किसके लिए? जीवाणुओं के लिए। किसके लिए? जीवाणुओं के लिए। तो लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है कि यदि कोई जीवाणु दिख गया तो उसको मारने का काम होता है लाइसोजाइम एंजाइम का। ठीक है, ये लाइसोजाइम एंजाइम पैनेत कोश का स्रावित करती है, हमारी लार में भी ये एंजाइम पाया जाता है, हमारे पसीने में भी ये एंजाइम पाया जाता है, हमारे आंसुओं में भी ये एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अश्रु, पसीना, लार, छोटी आंत्र, इनमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो क्या काम करते हैं भाई, जो जीवाणु को मारने का काम करते हैं। क्योंकि कोई जीवाणु यहाँ आएगा ना भोजन के साथ, तो उसको मारने का काम करते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी कोशिका लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण करती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सर, पैनेत कोशिका। कौन सी कोशिका भाई? पैनेत कोशिका लाइसोजाइम एंजाइम का क्या करती है? श्रावण करती है। अब यहीं पर कुछ और विशेष संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम पेयर पेचेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? पेयर पेचेस। अब ये पेयर पेचेस क्या है? जिस प्रकार के आपके टॉन्सिल मैंने आपको बताए थे ना, जीव में टॉन्सिल जो क्या काम करते थे, लसिकाणु का निर्माण करते थे, सेम काम छोटी आंत्र में पेयर पेचेस का होता है। समझ पा रहे हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि पेयर पेचेस का काम क्या है, तो आप बोलेंगे सर, पेयर पेचेस छोटी आंत्र में लसिकाणु का निर्माण कर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये है भाई आपकी हिस्टोलॉजी, ये छोटी आंत्र की औतकी है। एक बार आप अपने नोट्स मिलाइए और दोबारा देखिए, यहाँ पे सुनो मैंने क्या कहा कि छोटी आंत्र की औतकी की मैं बात करूँ तो उसमें वही चार परत होती हैं। सबसे बाहर की कौन सी? सिरोसा। दूसरी कौन सी? मस्कुलरिस। अब मैंने इनमें कुछ पॉइंट नहीं लिखाया, क्यों? क्योंकि जब मैंने आमाशय की औतकी कराई थी तो उसमें जो पॉइंट लिखाए थे ना, वो सेम पॉइंट यहीं पर आ जाएंगे, सेम। अब सब म्यूकोसा में भी वही लिखना है आपको कि रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी, तंत्रिका तंतु होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा संरचना होती है, वो क्या होती है? ब्रूनर ग्रंथियां। छोटी आंत्र की जो सब म्यूकोसा परत है उसमें एक एक्स्ट्रा संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रूनर ग्रंथि। और ये ब्रूनर ग्रंथि किसका निर्माण करती है? श्लेष्मा का। फिर हमने लिखा म्यूकोसा में। अब म्यूकोसा परत में आपको क्या लिखना था कि सब म्यूकोसा और म्यूकोसा आपस में मुड़कर क्या बनाती हैं? बोलो, कीर्क रिंग के वलन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कीर्क रिंग के वलन बनाती हैं। और इन वलनों में ओभारनुमा संरचनाएं होती हैं उंगली जैसी। इन उंगली नुमा संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं भाई? रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसांकुर। और इन रसांकुरों पर छोटे छोटे क्या होते हैं? सूक्ष्मांकुर होते हैं, जो ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं और छोटी आंत्र के अवशोषण करने का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। और इनमें कुछ गर्तिकाएं होती हैं जिन्हें हम लिवर कुन की गर्तिका कहते हैं। इस लिवर कुन की गर्तिका में कितने प्रकार की कोशिकाएं? तीन प्रकार की कोशिका, कलश कोशिका, आंत्रीय कोशिका और पैनेत कोशिका। ठीक है, जो गॉबलेट सेल होती है ना, गॉबलेट सेल, ये जो गॉबलेट सेल होती है वो श्लेष्मा का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है? श्लेष्मा का। आंत्रीय कोशिका आंत्रस का, और जो हमारी इंपॉर्टेंट पैनेत कोशिका है जो लाइसोजाइम का क्या करती है? श्रावण, जो जीवाणु को मारने का काम करती है। और इसकी श्लेष्मा में क्या पाया जाता है भाई? पेयर पेचेस भी होते हैं जो लसिकाणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई इसकी? ठीक है, ये रसांकुर है। रसांकुर की जो मोस्ट संरचना है ना, ऐसी होती है। देखो, ये एक रसांकुर है ना, इस एक रसांकुर में, अच्छा वाइट में बनाऊंगा इसको, क्योंकि ये वाइट कलर की ही होती है। एक रसांकुर की संरचना है ये, बीचों बीच में तो वाइट कलर की संरचना है, इधर जैसे मैं नीले कलर की बना दूं ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताऊंगा अभी आपको ना, ऐसे, और इधर बनती है रेड कलर की संरचना।
ऐसे मिलती हैं फिर ये, है ना भाई। तो ये टोटल एक कंप्लीट क्या है, रसांकुर। इस संरचना को मैंने ड्रॉ कर दिया केवल एक को, है ना। यदि आपसे रसांकुर की अनुप्रस्थ काट पूछे ना रसांकुर की, तो केवल आपको ये वाली संरचना बना देनी है यहां से और यहां तक बस, है ना। इनके नाम में लिख दूं यहां पे चाहे तो, ये जो व्हाइट कलर की संरचना दिख रही है ना आपको बीचों बीच में, इसको हम बोलते हैं लैक्ट्रियल वाहिनी। क्या बोलते हैं? लैक्ट्रियल वाहिनी, है ना। और ये हुई आपकी क्या, धमनी। और ये ब्लू कलर की क्या है आपकी, सिरा। तो ये एक अनुप्रस्थ, एक रसांकुर को मैंने पूरे को ड्रॉ कर दिया, ये एक रसांकुर है। बीचों बीच में जो आपको सेंटर में व्हाइट कलर की नली दिखाई दे रही है, इसे तो हम बोलते हैं लैक्टियल वाहिनी। मैं सारी चीज आपको बता दूंगा जब मैं अवशोषण कराऊंगा ना, तब इसको बताऊंगा। जब मैं भोजन के अवशोषण वाले टॉपिक पर चलूंगा, तब ये पूरे रसांकुर को मैं दोबारा से डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या लैक्ट्रियल वाहिनी है, क्या धमनी है, क्या सिरा है। अभी आप फिलहाल इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, केवल स्क्रीनशॉट लेना है भाई आपको, प्लीज बाद में बनाना, जगह छोड़ देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है केवल आपको भाई, और फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को आप पढ़ के देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपकी कंप्लीट होती है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत्र। तो छोटी आंत्र के तीन पार्ट, उनकी लंबाई वगैरह हमने देख ली, उसकी हिस्टोलॉजी देख ली कि आखिर क्या केरकेरिंग के बलन है, क्या रसांकुर है, क्या सूक्ष्मांकुर है, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। चलिए आगे चलिए, अब नोट्स कॉपी निकालिए और नोट्स अब आगे लिखना प्रारंभ करें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बड़ी यंत्र के बारे में। लिखिए बड़ी यंत्र, हेडिंग लगाओ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लिखते चलिए इसमें। इसका व्यास छोटी आंत्र से अधिक होता है, तभी तो उसको बड़ी आंत्र कहते हैं। फटाफट लिखते चलो, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। नीचे बड़ा एरो लगा के एक लाइन छोड़ के, इसके तीन भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। आप डायरेक्ट नंबर ए हेडिंग लगाएंगे, अंदनाल ओब्लिक उंडुक ओब्लिक सीकम, तीन नाम लिखा दिए मैंने, एक तो अंदनाल, एक उंडुक और सीकम। लिखो फटाफट क्या पार्ट है ये, छोटी आंत्र बड़ी आंत्र से जिस स्थान पर जुड़ती है या खुलती है उसे सीकम, उसे सीकम कहते हैं। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। है ना, इस स्थान पर इल्लियो
सीकल वाल्व पाया जाता है, इलियोसीकल वाल्व पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके नीचे 8 सेमी लंबी अंगुली नुमा, 8 सेमी लंबी अंगुली नुमा संरचना होती है जिसे क्रेमी रूपी परिशेषिका, जिसको आप इंग्लिश में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्रेमी रूप परिशेषिका को अंडरलाइन करना, परिशेषिका कहते हैं जो अवशेषी अंग है। लिखिए फटाफट, जो अवशेषी अंग है। ये पहला पार्ट है भाई अंधनाल। लिख लिया, तो ये तो हुआ बड़ी अंतर का प्रथम पार्ट। सारी बात आपको समझा दूंगा मैं भाई डायग्राम के अकॉर्डिंग, है ना, केवल आप लिख लिया करें, बस समझाने का काम मेरा होता है। बी एडिंग बृहदान्त्र या उनको कहते हैं कोलन, है ना, कोलन। लिखिए, ये चार होते हैं जो नाम लिखने के बल आपको जो आरोही, जिसको आप बोल सकते असेंडिंग कोमा अनुप्रस्थ, जिसको आप बोल सकते हैं ट्रांसवर्स, आरोही अनुप्रस्थ अवरोही डिसेंडिंग, जिसको बोल सकते हैं अवरोही सिग्मोइड। ये खुद ही इंग्लिश नाम है सिग्मोइड, जिसको आप सिग्माकार कह सकते हैं। चार होते हैं जो आरोही अनुप्रस्थ अवरोही व सिग्मोइड हैं। चार कोलोन है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएंगे। इन कोलोनों में जो थैली नुमा संरचना होती हैं, जिन्हें होस्ट्रा कहते हैं, होस्ट्रा अंडरलाइन करना, होस्ट्रा को कॉलन के बीच में अनुलंब पीसी होती हैं, जिन्हें टीनी को अंडरलाइन करना, टीनी कहते हैं,
डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ में आएंगी ये सारी चीजें, आपको लिख लीजिए आप केवल एक बार, जिन्हें टीनी कहते हैं। वैसे इनकी लंबाई वगैरह तो कभी भी नहीं पूछी जाती, ठीक है। वैसे इसकी जैसे आरोही की 15 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ की 50 सेंटीमीटर है, अवरोही की 20 सेंटीमीटर है और सिग्मोइड की 40 सेंटीमीटर है, पर आपको नहीं लिखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सी मलाशय, तीसरा पार्ट कौन सा है बड़ी यंत्र का, मलाशय, जिसको आप बोलते हैं रेक्टम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, रेक्टम, लिखिए। यह है अंतिम थैलेनोमा भाग है, यह 16 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, यहां मल का संग्रहण होता है, मल का संग्रहण होता है। तो ये हुई आपकी बड़ी यंत्र। अब लास्ट है भाई, जो आपके मुख्य अंग थे आहार नाल के, उनमें लास्ट है गुदा। बड़ी यंत्र कंप्लीट हो गई, गुदा जिसको हम एनस बोलते हैं भाई, एनस लिखिए। मलाशय एक छिद्र में खुलता है जिसे गुदा मार्ग कहते हैं, यहां अवरोधनी होती हैं जो मल निष्कासन को, जो मल निष्कासन को नियंत्रित करती हैं। फटाफट लिखो, फास्ट लिखिए भाई, जो मल निष्कासन को नियंत्रित करती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे जो बच्चे पीछे रह गए भाई, ठीक है, और बाकी आप रिवर्स करके भी तो देख सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं अपने बड़ी यंत्र के बारे में, है ना। जरा ध्यान से सुनना भाई बड़ी यंत्र को, देखिए। सपोज कीजिए ये आपकी छोटी यंत्र चल रही थी भाई, छोटी यंत्र थी ये, ठीक है। अब ये छोटी यंत्र का सबसे अंतिम पार्ट था ये वाला, था ना, जिसको मैं इलियम कह सकता हूं। अब इस इलियम से बड़ी यंत्र इस प्रकार स्टार्ट होती है भाई, ऐसे ऐसे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे हैं भाई, ऐसे बहुत ही सिंपल सा ये फंडा है इसका। देखिए आपको दिख रहा है ना ये डायग्राम। अच्छा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं क्या भाई, बड़ी यंत्र। क्या बोलते हैं इसको, बड़ी यंत्र बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, बड़ी यंत्र बोला जाता है, ठीक है।
जरा ध्यान से सुनिए भाई, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो बड़ी आंत्र होती है इसकी चौड़ाई छोटी आंत्र की तुलना में ज़्यादा है। देखो छोटी आंत्र बहुत छोटी होती है, व्यास इसका कम होता है, लेकिन बड़ी आंत्र का व्यास ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। हालांकि इसकी लंबाई मात्र 1.5 मीटर है और छोटी आंत्र की लंबाई 6.25 मीटर है। तो लंबी तो होती है छोटी आंत्र, लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा होती है बड़ी आंत्र। ठीक है, अब इसके पार्ट देखो, इसके तीन पार्ट हैं। पहला भाग, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला केवल केवल ये वाला, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। तो ये तो हुआ केवल पहला भाग। अब जो दूसरा भाग है कॉलोन वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट होता है, ये कॉलोन वाला पार्ट है। और जो ये आपको गोल सा दिख रहा है, ये आपका तीसरा पार्ट है जिसे हम मलाशय कहते हैं, और लास्ट लास्ट में जो छिद्र है उसे हम गुदा मार्ग कहते हैं। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो देखो कि बड़ी आंत्र के कितने पार्ट हैं और किस प्रकार हैं। जो बड़ी आंत्र होती है उसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? तीन। पहला भाग सीकम, दूसरा भाग कॉलोन, कौन सा? कॉलोन, और तीसरा पार्ट मलाशय। तो ये हमारी बड़ी आंत्र के पार्ट हैं। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। सीकम को आपको जरा ध्यान से सुनना है, कितना सिंपल है देखो। अच्छा, ये इलियम वाला पार्ट है ना, इलियम छोटी आंत्र का ये सबसे लास्ट इलियम वाला पार्ट है ना। तो देखिए, जो छोटी आंत्र का इलियम होता है बड़ी आंत्र के जिस भाग से जुड़ता है या जिस भाग में खुलता है, तो देखो केवल ये यहीं पर ओपन हो रहा है ना, इसी वाले पार्ट में। अरे ये छोटी आंत्र का सबसे लास्ट पार्ट है, तो ये बड़ी आंत्र से जुड़ रहा है ना, तो इसी भाग को आप क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं, या अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंधनाल कहते हैं, या उंडुक कहते हैं। तो बोलो क्या दिक्कत है इसको समझने में, कि छोटी आंत्र का सबसे लास्ट पार्ट बड़ी आंत्र के जिस भाग में खुलता है हम उसे सीकम कहते हैं। बहुत सिंपल है, सीकम के नीचे एक अंगुली रूपी ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी को आप परिशेषिका बोलते हैं, जो कि एक अवशेषी अंग है। अरे वही अपेंडिक्स है ये, जो पेट में दर्द करते हो उसका ऑपरेशन किया जाता है, वही अपेंडिक्स है ये। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स है, किसके नीचे होती है? ये सीकम के नीचे होती है अपेंडिक्स, वही अपेंडिक्स है जिसको हमें काट के बाहर निकाल देते हैं। तो ये सीकम समझ में आ गया कि छोटी आंत्र का अंतिम भाग बड़ी आंत्र के जिस भाग में खुलता है हम उसे सीकम कहते हैं, और इसके नीचे 8 सेंटीमीटर लंबी एक अंगुली रूपी संरचना होती है जिसे हम परिशेषिका कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और यहाँ पर जो वाल्व है, देखो ये छोटी आंत्र है और ये बड़ी आंत्र है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कपाट है, कपाट, इस कपाट का नाम होता है इलियोसीकल वाल्व। क्या होता है इसका नाम? इलियोसीकल, इलियोसीकल वाल्व है भाई। जो भोजन होता है ना, जो छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र में धकेला जाता है उसको कंट्रोल करता है ये इलियोसीकल वाल्व। तो आपको ये भी याद रखना है कि इलियोसीकल वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है। आप बोलेंगे सर छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र के जुड़ने के स्थान पर प्रेजेंट होता है। अब ये आपके आगे कॉलोन, तो एक बात बताओ, ये ऊपर की बढ़ता हुआ पार्ट है ना, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, तो इस पार्ट को मैं क्या कह सकता हूँ? आरोही कॉलोन कह सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना असेंडिंग का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है ना बढ़ते हुए क्रम में, तो ये पार्ट बड़ी आंत्र का बढ़ते हुए क्रम में ना, इसे हम बोल सकते हैं आरोही। अब ये देखो ये पार्ट बिल्कुल ऐसे ना, और ऐसी लाइन कौन सी होती है भाई? अनुप्रस्थ। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये अनुप्रस्थ कॉलोन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर देखो ये घटते हुए क्रम में ना, ये वाला ये पार्ट घटते हुए क्रम में, तो आप इसको क्या बोल देंगे? ये अवरोही कॉलोन है। ऐसे नाम है इनके सिंपल, ये घटते हुए क्रम में तो अवरोही कॉलोन। अब यहाँ पर ये फूला हुआ पार्ट है जिसे आप मलाशय बोलते हैं, और लास्ट में एक छिद्र होता है जिसे हम गुदा मार्ग बोलते हैं। बोलो क्या दिक्कत है? अब इसमें जो ये फूली हुई थैली है ना, थैली, जैसे ये एक थैली हो गई, ये एक थैली हो गई, ये एक थैली हो गई,
तो इस भाग को हम बोलते हैं हॉस्ट्रा, जो फूला हुआ पार्ट होता है ना उसे हम हॉस्ट्रा कहते हैं, और जो इसके बीचों बीच में डोरी है रेड कलर से इसको हम बोलते हैं टीनी। क्या बोलते हैं इस डोरी को? टीनी। तो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है भाई, क्या दिक्कत है बोलो इसमें? ठीक है, समझ में आ गई बात? केवल आपको ये कॉलोन के नाम वगैरह याद रखने, आप डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझ जाएंगे, इस डायग्राम को भी आप बना लेना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ, और कल हम आप बात करेंगे अपनी पाचक ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही।